दोस्तों, अगर आपको जिंदगी भर बैठकर बगैर काम किए हुए अगर आपको सैलरी मिलती रहे तो कैसा रहेगा? क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये किसके थ्रू होगा? ये SWP जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये होगा कैसे, ये किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो मैं इसी पर आज बात करूंगा कि इसमें SWP और SIP में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरह से काम करते हैं। SWP ये उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है कि उनको जो फंड मिला है उस फंड को वो एक बार यानी एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे, जिसको हम लमसम भी कहते हैं। SIP में लमसम होता है कि एक बार हमने मोटा अमाउंट जमा कर दिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद जो उससे हमें रिटर्न मिलना चालू हो जाता है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, एक बार मान लिया कि आपको 10 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट जो किया है, अब ये 15% मान लिया उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 15% आपको रिटर्न मिला, उसमें से आप कुछ विड्रॉल करना चाह रहे हैं मंथली, तो 15% के हिसाब से मान लिए 8% आपने विड्रॉल किया, 7% अभी भी आपका बाकी है, तो 7% क्या होगा, 7% वो ग्रो कर रहा है, और इसमें जो है जो आप 8% निकाल रहे हो, तो ये पैसा क्या आपको मिल रहा है, हर महीने 8% के हिसाब से आप पैसे निकाल ले रहे हो, तो ये क्या है कि ये आपको लॉन्ग टाइम तक पैसा देता रहेगा, यानी जनरेशन टू जनरेशन आपको इसमें पैसे मिलेंगे। अब SIP क्या होता है कि उसमें एक हमने मंथली प्लान ले लिया है और उसके हिसाब से मान लिया 2000 रुपये हमने फिक्स किया है, तो 2000 के हिसाब से हमारा हर महीना जा रहा है और वो पैसा एक लॉन्ग टाइम के बाद बहुत बड़ा हो जाता है। SWP में भी आपने एक बार आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो है आप जो हर महीने अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और उनके लिए बहुत ही बेटर है, और ये जनरेशन टू जनरेशन आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट जब अप जाएगी तो पैसा और आपका ग्रोथ करेगा, जैसे SIP में होता है मार्केट आपके ऊपर जा रही है तो पैसा क्या आपका बढ़ रहा है, रिटर्न्स आपके बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी चीज होती है, जैसे SIP आप लेते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उसमें क्या होता है NAV नेट एसेट वैल्यू जितने भी हैं, मान लिया कि 1 लाख पे आपको 1000 यूनिट मिला, अब आप चाह रहे हैं SIP में कि मतलब कि हमें 5000 रुपये मिल जाए, उसमें क्या है कि आपको 5000 यूनिट आपको बेचना पड़ेगा, तो आपको जो है 5000 यूनिट का पैसा यानी 5 के आपने डिमांड किया तो 5 के आपको मिलेगा, यानी म्यूचुअल फंड वाले उसे बेच के देंगे, लेकिन ये जब ग्रो जाएगा इसका परसेंटेज भी जब ग्रो होगा तो 200 या 300 भी आप यूनिट बेच सकते हैं, तो NAV होता है यानी नेट एसेट वैल्यू, क्योंकि इस वैल्यू के हिसाब से आप बेच रहे, तो इसका वर्क जो है बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे SIP का, उसी से SWP का है, लेकिन SWP में क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन आपको पैसे मिलते रहते हैं और आप एक लंबा अमाउंट कमा पाते हैं। लेकिन अगर वेल्थ की बात करें तो SIP में आप जब लॉन्ग टाइम के लिए पैसा छोड़ते हैं, 5 साल 10 साल के लिए, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इसमें भी आपको जिंदगी भर सैलरी मिलेगी। यानी SWP में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे या देखेंगे तो इसमें आपको हर महीने घर बैठकर सैलरी मिलती रहेगी और लोग कमा रहे हैं। SWP को भी बहुत अच्छा माना गया है, SIP की तरह है, जैसे उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको लमसम यानी एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है SWP में, और फिर उसको हर मंथ के हिसाब से आप उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और SIP का जो फुल फॉर्म है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी उसमें आप पैसे जमा करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन बीच में आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको उसमें बेनिफिट मिलता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो SWP करना चाहिए, रिस्क होता है थोड़ा, लेकिन रिस्क है तो भाई उसमें आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपने उसमें जैसे अच्छे मार्केट में अगर आपके पैसे लगे हैं, अच्छी कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये भी आप कंपनी में जैसे इंडेक्स है या बहुत से लोग ये सब जो होते हैं कंपनीज होते हैं उसमें पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं, तो SWP भी आप कर सकते हैं। और लेकिन कभी भी कोई काम करें तो उसको जरूर एनालाइज कर लें। मान लीजिए कि अगर आपको ये सर्च करना है तो गूगल पर आप डालिए top 10 SWP परफॉर्मर या कुछ भी, तो उसमें एक लिस्ट आ जाएगी, और इस लिस्ट को चेक करने के लिए आपको ट्रिकर
ट्रिगर टेप पर जाना पड़ेगा, वहां से चेक करेंगे क्या ये जेन्युइन है, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि वेबसाइट पैसे के बेस पर उसको प्रमोट कर देते हैं। तो इस चीज को एनालाइज कर लीजिए और उस हिसाब से देखिए कि इसमें जो भी हम काम करने जा रहे हैं क्या वो बेस्ट है। तो ये चीज को क्या है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी उसका आप फायदा उठा पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि SWP क्या है, SIP क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए हैं। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, कमेंट कीजिए और पूछिए, उस पर जो भी चीज होंगी मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। जिनके पास पैसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इसे लाइक और शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।